लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान श्री हरि की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु शयन में रहते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को चार महीने के बाद जगते हैं। कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की एकादशी का संबंध माता लक्ष्मी से है। माता लक्ष्मी का एक अन्य नाम रमा है, इसलिए इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इसे रंभा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत से सभी पापों का नाश हो जाता है। रमा एकादशी व्रत पूजा के लिए विधि एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाती है। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। एकादशी वाले दिन व्रती को सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन तुलसी की पूजा करना शुभ माना गया है। रमा एकादशी व्रत कथा। भाव विह्वल होते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम के राजा राज्य करते थे। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़े सत्यवादी तथा विष्णु भक्त थे। उनका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उनकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करते थे और उनके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरे पति राज आज्ञा मानेंगे तो बहुत कष्ट पाएंगे। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुन चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते, फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुन शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो, भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञानुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था।
उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थयात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसने राजा शोभन को देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने श्वसुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृतांत बतलाए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ, परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब ही से मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। कथा सार। भगवान श्रीहरि बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धापूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी व्रत करता है तो वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं, परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्रीहरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। बोलिए भगवान श्रीहरि की जय हो, जय हो, जय हो, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।